न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरें। नाबालिग प्रेमिका ने प्रेमी से शादी रचाकर डाला वीडियो। गोपालगंज में बोली, भाई जहर खिलाकर मारना चाहता, मैं घर से भाग गई, नीतीश संग खुश हूँ। दरअसल गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग पिछले 6 जुलाई को अचानक गायब हो गई थी। लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी रचा ली, उसकी फोटो और वीडियो बना सोशल मीडिया पर डाल रही है। लड़की ने वीडियो में कहा कि उसने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ घर से भागी और शादी कर खुश है। नाबालिग के पिता द्वारा 21 जुलाई को स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर नीतीश कुमार कुशवाहा को नामजद आरोपी बताते हुए अपहरण का मामला दर्ज कराया था। थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 6 जुलाई को शौच करने गई थी। इसी बीच आरोपी नीतीश द्वारा उसे जबरन ले जाया जाने लगा। जब उसने शोर मचाया तो मेरी पत्नी ने दूर से देखा कि बेटी का मुंह बंद कर ले जाने लगा। पिता द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। इसी बीच नाबालिग का वीडियो सामने आया। लड़की बता रही है कि वो नीतीश कुमार से प्यार करती है, जब घर के लोग जान गए तो रोजाना उसके साथ मारपीट करने लगे। लड़की बोली कि भाई खाने में जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मैंने घर से भागकर नीतीश कुमार से शादी कर ली। मैंने अपनी मर्जी से नीतीश कुमार से शादी की है, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, मैं जहां हूं खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नजर डालते हैं एक और क्राइम खबर पर। गोपालगंज में चाचा पर बच्ची के साथ रेप का आरोप, मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी। डॉक्टर बोले, रेप का मामला संदिग्ध, प्राइवेट पार्ट से हुई है छेड़छाड़। दरअसल गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोस के चाचा पर 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने पीड़िता के मां के बयान के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, वहीं मासूम की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात में बताया कि पिछले 3 दिन पूर्व एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों द्वारा यह बताया गया कि दुष्कर्म करने वाला रिश्ते चाचा लगता है तथा इनके पड़ोसी है। फिलहाल बच्ची की स्थिति ठीक है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर द्वारा यह बताया गया कि प्रथम दृष्टया रेप का मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ का मामला है। फिलहाल बच्ची की मां के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दर्ज मामले की आधार पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास से गिरफ्तार किया है। 3 दिन पूर्व मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 4 वर्षीय बच्ची अपने दरवाजे के पास खेल रही थी। इसी बीच पड़ोस का एक युवक, जो रिश्ते में बच्ची का चाचा लगता है, वह आया और बच्ची को मोबाइल देकर बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया। कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची जब रोने लगी तो युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। बच्ची के रोने की वजह से जब उसकी मां ने पूछी तो उसने पड़ोस के ही युवक, जो रिश्तेदार में चाचा लगता है, उसके बारे में जानकारी दी। डालते हैं एक और खबर पर। तमिलनाडु में शख्स ने पत्नी के प्रेमी का सिर काटा, आरोपी हुआ गिरफ्तार। दरअसल तमिलनाडु के तेनकासी जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ संबंध होने के संदेह में एक व्यक्ति का सिर काट दिया। व्यक्ति फिर कटे हुए सिर को लेकर तूतीकोरिन जिले में अपनी पत्नी के घर गया और वहां रख दिया। यह खौफनाक घटना गुरुवार शाम की है। पुलिस ने आरोपी एस वेलुसामी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान मुरुगन के रूप में की गई है। मृतक तेनकासी जिले के कन्नाडीकुलम में आरोपी के आवास के पास रहता था और पेशे से किसान था। पुलिस ने कहा कि वेलुसामी की शादी तूतीकोरिन जिले के राजा पुथुकोड़ी की क्यालम से हुई है।
ऐसा कि क्यालम का पास से ही रहने वाले मुरुगन के साथ अफेयर था। बाद में ऐसा कि क्यालम वेलुस्वामी ने अलग हो गई और राजा पुथुकोड़ी में अपने माता पिता के साथ रहने चली गई। पुलिस के मुताबिक वेलुस्वामी इस बात से चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने मुरुगन की हत्या कर दी। फिर वह मुरुगन का कटा हुआ सिर लेकर एसएससी क्यामल के घर गया, जिसे अपने उसके घर के सामने रख दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। पर फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।